नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीपी न्यूज। शादी करने के चक्कर में भाई बहन ने किया जज के स्टेनो का अपहरण। फिल्म स्टाइल में दिन दहाड़े एक युवक का अपहरण हो गया। तभी से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था। उसके बाद कई टीमें गठित की गई और अपहरणकर्ताओं को पकड़कर सलाखों के पीछे कर दिया, जिसका बिजनौर पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही खुलासा कर दिया है। आइए जानते हैं बिजनौर SP का क्या कुछ है कहना। आज सुबह एक अत्यंत सनसनीखेज घटना हुई, जिसमें कि JM चांदपुर की कोर्ट में जो स्टेनोग्राफर हैं अंकुर, उनका अपहरण अज्ञात लोगों ने शस्त्रों के आधार लेकर किया गया, बलपूर्वक किया था। सनसनीखेज घटना की संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल मैंने SWAT की टीम को और क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में चांदपुर की टीम सक्रिय हुई, जिसमें कि 4 घंटे के भीतर ही तीन अभियुक्त गिरफ्तार हुए और अपहृत की बरामदगी की गई। उनके पास 2 तमंचे भी बरामद हुए। पूछताछ में घटनाक्रम ये पाया गया कि ये विगत वर्ष इनका एंगेजमेंट हुआ था और अंकुर ने वो एंगेजमेंट तोड़ दिया था। ये लोग उसको धमकी दे रहे थे और आज उसको बलपूर्वक उठा लिया, और उनका उद्देश्य था कि ये आज वहाँ से शादी का जोड़ा भी बरामद हुआ। ये आर्य समाज नजीबाबाद में उसका बलपूर्वक विवाह करना चाहते थे अपनी घर की कन्या के साथ, जो एंगेजमेंट टूटी थी। इसमें उनका कहना था कि अगर विवाह नहीं करेंगे तो हत्या कर देंगे, इसी उनका आशय था। तो इस प्रकार से ये एक अत्यंत सनसनीखेज संगीन घटना थी, जिसमें हमारी पुलिस ने अत्यंत सक्रियता के साथ कार्रवाई करते हुए कितने घंटे में खुलासा, क्षेत्राधिकारी चांदपुर के नेतृत्व में SWAT की टीम 4 घंटे के भीतर और चांदपुर की टीम ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया और अपहरण को बरामद किया। इसमें 3 अभियुक्त अभी फरार हैं, उनके नाम प्रकाश में आ गए हैं, टीमें सक्रिय हैं, यथाशीघ्र गिरफ्तार करेंगे। आपको बता दें कि बिजनौर के चांदपुर में दिन दहाड़े जज के स्टेनो का अपहरण हुआ था, जिसका बिजनौर पुलिस ने 4 घंटे के अंदर ही खुलासा किया, जिसमें सचिन ने अपने साथियों के साथ मिलकर अंकुर स्टेनो को जबरदस्ती अपनी बहन की शादी करवाना चाहता था। इस कारण अंकुर को किडनैप किया गया था, लेकिन तीखी नजर रखने वाले पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने 4 घंटे में ही अपहरण का खुलासा कर दिया। देखिए इसरार अहमद की है खास रिपोर्ट। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने अभी तक DPP न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, और हाँ, लाइक कमेंट व शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।